न विपदिश्यते। यहाँ ठहर जाइए, यहाँ समझिए और सुनो। यदि ये जो व्याख्या सुन रहे हैं आप लोग, ऐसा आगम का आडोलन कर लिया, सतत ज्ञान उपयोग में लबलीन रहे बालकों, एक भी प्रवचन की तैयारी की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारी प्रज्ञा प्रवचन है। अब देखिए यहाँ पर मुनिराज बन गए, अनुवृत्ति महावृत्ति हो चुके हो, पर अत्यंता भाव शब्द का ज्ञान नहीं है। शब्द का ज्ञान नहीं है तब भी मैं आपको संबंधिष्टि मान सकता हूं। अत्यंता भाव शब्द का जो अर्थ है, इस अर्थ पर विश्वास यदि नहीं है, आप बिल्कुल भी संबंधिष्टि नहीं हो। कुछ कहना, क्यों नहीं है संबंधिष्टि, ऐसा प्रश्न करो ना। आप जो है इस अत्यंता भाव के पास जाएंगे, और फिर मैंने अणु में अणु का अत्यंता भाव दिखाया है, अणु में अणु का अत्यंता भाव दिखाया है, और एक जीव का दूसरे जीव में भी अत्यंता भाव दिखाया है। जब एक जीव में दूसरे जीव का अत्यंता भाव है, तो एक ईश्वर की सत्ता ही सर्व ब्रह्मांड में है। एकम ब्रह्मम द्वितीयो खलु नास्ति, एक ब्रह्म ही है, दूसरा नहीं है। ये अत्यंता भाव ने क्या कर डाला, आपकी इस बात को अभूतार्थ कह दिया, अभूतार्थ बोल दिया है, अत्यंता भाव कह रहा है। यदि आपने संपूर्ण जगत के प्राणियों को एक की सत्ता स्वीकार किया है, तो अड़ु अड़ु स्वाधीन समाप्त हो गया। इतना ही नहीं, सर्वात्म तदेकम स्यात्, सर्वात्मकम तदेकम स्यात्। ओहो, अन्योन्य अभाव का अभाव करोगे तो क्या होगा, सर्वात्मक हो जाएगा। और अत्यंत अभाव का अभाव करोगे तो मसरूप मतामकम क्या हो जाएगा, कोई पदार्थ का निजी स्वरूप नहीं बचेगा। जब निज रूप नहीं बचेगा तो सबका अभाव हो जाएगा, जड़ चेतन हो जाएगा, जड़ चेतन हो जाएगा, चेतन जड़ हो जाएगा। जड़ चेतन होता नहीं और चेतन जड़ होता नहीं, अत्यंत अभाव। इस अत्यंत अभाव में निहित था अद्वैत भाव की एकांतर का निरसन। इसलिए आप जब सम्य दर्शन को, अभेद रत्नात्रय को देखो, तो भेद रत्नात्रय भी देख लेना चाहिए। सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र का अधिकरण एक है, इसलिए एकत्व है, पर सम्य दर्शन ज्ञान चार का स्वरूप एक रूप नहीं है, इसलिए भिन्नत्व है। बराबर, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का अधिकरण कहां पर है, आत्मा में, इसलिए एकत्व है, लेकिन स्वरूप भिन्नत्व है। नाक कान मुख हाथ पैर सिर, ये सब क्या है, शरीर, ये सब क्या है, शरीर, इसलिए एकत्व है। पेट पीठ, इसलिए एकत्व है, लेकिन सुमति पांड्या नाक में फुंसी हो गई तो दवाई कहाँ रखेगा, शरीर एक ही है ना अपना, शरीर एक ही ना अपना, तो कहाँ रख दोगे, कान पर कि जिब्बा पर। नाक में फुंसी हुई है तो लौंग घिसके कहाँ पर रखोगे, कहाँ रखोगे। अब विषय पकड़ना चाहिए, मैं भोले जैसे 25 सालियों से कहना चाहता हूं, मित समझो, एकता की व्याख्या करते समय विवेक की व्याख्या करके रखना। अब बजाओ ताली मित्र, इस रहस्य को समझो।
एकता की व्याख्या करते समय विवेक का ध्यान रखना, इतना सब बोल दो। एकता की व्याख्या करते समय विवेक का ध्यान रखना, इतना सब बोल दीजिए, आनंद आ जाएगा। विवेक शब्द का अर्थ ही भेद है। एकता की व्याख्या करते समय बिलासपुर मुमुक्षु, एकता की व्याख्या करते समय विवेक का ध्यान रखना। बोले मतलब गुरुजी क्या हुआ? मतलब ये हुआ है, ज्यादा एकता में चले जाओगे आप अपने शरीर के साथ ही नहीं रह पाओगे। क्या रहस्य हो निरकंत सागर जी, एकता की व्याख्या में जाते समय बालक विवेक का ध्यान रखना। हम सब एक न, शरीर एक है। तुम्हारे शरीर में एकता नहीं है, ये मालूम कब चलेगा? शुभम डॉक्टर साहब, भैया नाक में फुंसी हो गई तो दवाई लौंग घिस के कहां रखेगा? कान पर? शरीर एक ही है ना, रख दो ना। प्रोफेसर पुत्र, नाक पर फुंसी हुई है तो ये निसंग सागर दवाई कहां रखेंगे? कान पर? ज्ञानी दवाई कहां रखेंगे? शरीर एक ही है ना। ओहो, ये मालूम नहीं है आप लोगों को, औषधि कहां लगाएंगे? अरे शरीर एक है ना अपना, कहीं भी लगा दो। अरे एकांत एकांग एकांत एकतावादियों, तुम सत्यानाश कर दोगे। देह अपेक्षा एकता है, अंग अंग की अपेक्षा से एकता नहीं है, अंगी की अपेक्षा से एकता है। अंग अंग में एकता नहीं है, अंगी में एकता है। तदंगम से श्लोक बोलिए। बालक श्लोक बोलने का मतलब ये थोड़ी कि कहीं से शुरू हो जाइए। आपने अंग अंगी की व्याख्या आपने मीमांसा में पढ़ी है, धर्म धर्मी की व्याख्या आपने पढ़ी है, तो जैसे आपने श्लोक याद किए हैं बहुत अच्छा किया। पुण्यात्मा जी भी इस दिनवाणी कंटेस्ट कर सकता है। अब उन श्लोकों में अर्थ क्या है, अर्थ क्या, ये भी समझना चाहिए। अंग अंग और अंगी, नाक अंग अलग है, कान अंग अलग है, ये सब अंग अंग भिन्न भिन्न है, और उन सब का अंगी शरीर एक है। धर्म धर्म, हार्दिक बाबू, धर्म धर्म की अपेक्षा से और धर्मी की अपेक्षा से, धर्मी एक हो सकता है, धर्म एक नहीं हो सकते। इसलिए रवि जैसे पंडों को विवेक लगाना पड़ेगा। बालक एक पुद्गल द्रव्य है, स्पर्श रस गंध वर्ण, स्पर्श रस वर्ण, स्पर्श रस गंध वर्णता पुद्गला, स्पर्श रस गंध से वर्ण से युक्त पुद्गल। तो इसके अंदर आपने कितने धर्म देखे? चार। ये चार धर्म, ये चार धर्म एक पुद्गल में, एक पुद्गल में चार धर्म तो हो सकते हैं, पर एक सुनिए, एक पुद्गल में चार धर्म, पर चार धर्म एक एक पुद्गल है क्या? चार धर्म किसमें? एक पुद्गल में। तो क्या एक एक धर्म के साथ एक एक पुद्गल है? एक धर्म के साथ एक एक पुद्गल है क्या? नहीं है।
स्पर्श रस गंध वर्ण से युक्त होने पर भी चार धर्म तो एक पुद्गल के अंदर हैं, पर चारों धर्म एक नहीं है। चारों धर्म एक अभेद्य पुद्गल के अंदर हैं। चारों धर्मों को पृथक नहीं कर सकते आप, चारों धर्मों को एक भी नहीं कर सकते आप। क्या सूत्रा भाई, चार धर्मों को पृथक कर सकते हैं आप पुद्गल से, तो चार धर्मों को एक कर सकते हैं पुद्गल से है? क्या फिर क्या कर सकते हैं? चारों धर्मों से युक्त पुद्गल को देख सकते हो, चारों धर्मों से युक्त पुद्गल को देख सकते हो, और चारों धर्म पुद्गल में देख सकते हो। तो जैसे पुद्गल का स्पर्श स्वतंत्र, रस स्वतंत्र, गंध वर्ण स्वतंत्र है, ऐसे ही सम्यक दर्शन का स्वभाव स्वतंत्र है, सम्यक ज्ञान का स्वभाव स्वतंत्र है, और सम्यक चारित्र का स्वभाव स्वतंत्र है। इन तीनों की एकता का नाम रत्नात्र धर्म है। इस रत्नात्र धर्म की प्राप्ति के लिए रत्नात्र धर्म धारण नहीं किया अपने सागर आपने, पेट में कुछ है कि नहीं, भाग्य में कुछ है कि नहीं? भाग्य में होता तो पेट में भी होता। ओहो, प्रश्न ये है, रत्नात्रेय धर्म के लिए आपने रत्नात्रेय धर्म धारण किया है बराबर, सिंधु रत्नात्रेय धर्म के लिए आपने रत्नात्रेय धर्म धारण किया है ठीक। महात्मा यशोधर सागर जी नाम लो तो कुछ काम भी तो करो साथ में। रत्नात्रेय धर्म के लिए आपने रत्नात्रेय धर्म धारण किया है, सही है? हृदय क्या बोल रहा है आपका? रत्नात्रेय धर्म धारण करने के लिए आपने रत्नात्रेय धर्म को धारण किया बराबर। योग सागर जी बराबर है? अपने मित्र यतन से और पूछ लो बराबर। केश लुंचन करने के लिए केश लुंचन किया आपने, अच्छा। यतीन्द्र सागर जी रत्नात्रेय धर्म धारण करने के लिए आपने रत्नात्रेय धर्म धारण किया है। निसंग सागर जी रत्नात्रेय धर्म धारण करने के लिए आपने रत्नात्रेय धर्म धारण किया है। विकल्प शून्य निर्विकल्प सागर जी, मोह शून्य निर्मोह सागर जी, ग्रंथ शून्य निर्ग्रंथ जी, रत्नात्रेय धर्म धारण रत्नात्रेय धर्म के लिए किया है। रत्नात्रेय धर्म भी तुम्हारा धर्म नहीं है, इसका मतलब घर चले जाऊंगी। रत्नात्रेय धर्म धारण करने के लिए रत्नात्रेय धर्म धारण नहीं किया, रत्नात्रेय का फल मोक्ष की प्राप्ति के लिए आपने रत्नात्रेय धारण किया है। यह रहस्य अब ऐसा बद्ध कुमार भैया एक रटना वाला ज्ञान है, एक ज्ञान में ज्ञान को डूब करके ज्ञान के रहस्य में जाने वाला ज्ञान है। इसलिए आपको रत्नात्रेय धर्म की परिभाषा समझना चाहिए, और रत्नात्रेय धर्म की परिभाषा समझ के तन्मय फिर आपको निर्णय करना पड़ेगा
सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, जिसको मैंने धर्म स्वीकार किया, उस धर्म को भी हमने नीचे देखा, इसके ऊपर भी धर्म है। शुद्ध ज्ञान, शुद्ध दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, अनंत चतुष्टय की प्राप्ति के लिए रत्न ने धर्म को धारण किया है। इसके उपरांत फिर जो सम्यक दर्शन आएगा, उसमें आपको विश्व दिखाई देगा। जैसे हमने आपसे कहा, निसंग सागर जी, यदि अत्यंत अभाव नहीं मानते तो सम्यक दृष्टि नहीं। ये समझ में आ गया? अब सुनो मित्र, यदि सम्यक दृष्टि जीव को, ये संयत सागर कहे, मैं सम्यक दृष्टि जीव हूं, परंतु मुझे संयत सागर से कोई प्रयोजन नहीं है। हे मित्र, सम्यक दृष्टि जीव को विश्व दिखाई न दे तो सम्यक दृष्टि ही नहीं है। कहो सारो सागर जी, आंखें नीची करके, मुंडी नीची करके, मुंह दूसरे से मोड़ करके बैठ जाए, वो रत्न सम्यक दर्शन है? विषय पकड़ो, अभी प्रयोजन विषय साधन फल, अभी सुर सागर जी होते तो आपको कहते छुल्लक जी, विषय साधन फल, सिर नीचे करके रहना, शांत बैठ के रहना, ये वृत्ति है कि सम्यक दर्शन है? हम तो एक एक शल्य क्रिया कर रहे हैं। बोल बालक, ये बोलना आपको कि सिर नीचे करके बैठ जाना, आंखें नीचे कर लेना और किसी की कुछ भी नहीं सुनना, ये वृत्ति है कि व्रत है कि सम्यक दर्शन है? तो मित्र, तुम बुद्ध हो क्या कि जैन हो? जैन हो, अभी जैन हो? मेरी जिज्ञासा आपसे, सुब्रत सार से मिला क्या कभी आपने? यदि मिला आपने जैन साहब, तो मेरे प्रश्न आपसे ये है, आप अगो क्यों बोलना चाहते हो, बैल क्यों नहीं बोलना चाहते हो?